हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। ये सेकंड बार मटकी क्लीन कर रहे हैं क्योंकि इसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा थे तो मटकी काफ़ी गंदी हो गई। तो अभी बच्चों को बाहर निकाले हैं, मटकी भी हमने क्लीन करी है। तो सोचा आपके साथ एक वीडियो शेयर करें और एक इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि पुराने ब्रीडर्स तो जानते हैं, जो पुराने शौकीन हैं, जो नए लोग हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ उनके साथ कि इसमें जो ये देखिए, आप मटकी तो क्लीन कर दी है लेकिन लास्ट में आपको गीलापन लग रहा है। ये गीलापन होता है तो कोशिश करें आप इसको सूखा कर ही बच्चे रखें, और अगर आपके पास कुछ सुखाने करनी है तो चीना कंगनी दाना जो होता है अपने पास, उसके छिलके या सनफ्लावर सीड के छिलके आप डाल सकते हैं, तो वो भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसका गीलापन। हल्का सा धूप में भी रख के सुखा सकते हैं आप। इससे क्या होगा कि इन बच्चों को इन्फेक्शन भी नहीं होगा, ना ही इनको ठंड में आएंगे, क्योंकि गीली मटकी से इन्फेक्शन हो जाता है, ठंड भी लग जाती है इनको। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ये शेयर करना चाह रहा था मैं आपके साथ। तो इसको थोड़ी देर आप धूप में भी रख सकते हैं, ज़्यादा देर धूप में नहीं रखना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि आप मटकी नहीं लगाते हैं तो उससे फीमेल हो सकता है कि उस मटकी में ना जाए, नई मटकी में, क्योंकि हर फीमेल अपनी मटकी को पहचानती है, अपनी स्मेल पहचानती है वो। तो आप भी कोशिश करें कि मटकी जब क्लीन करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये मैं वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। होप आपको ये मेरा जो मैंने नॉलेज शेयर करी है पसंद आई। थैंक यू।